मुंबई से सटे ठाणे जिले के एक सरकारी अस्पताल में मधुमक्खी काट लेने से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक बच्चे के परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल मधुमक्खी के काटने के बाद कथित बच्चे को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही मृतक बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि ठाणे शहर के राबोड़ी इलाके में 15 साल के नबीउल्लाह को सोमवार की दोपहर मधुमक्खियों ने काट लिया था, जिसके बाद देर रात इस बच्चे की खराब होती हालत को देखते हुए उसके परिजनों ने इसे कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान नबीउल्लाह की मौत हो गई। इसकी जानकारी होते ही नबीउल्लाह के परिजनों ने अस्पताल में बवाल मचा दिया। इस घटना की शिकायत अस्पताल प्रशासन द्वारा कलवा पुलिस स्टेशन में किया गया है, जिसके बाद मृतक नबीउल्लाह के परिजन को कलवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।